गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आपको पता है कि आज हमारी ऑनलाइन क्लास का डे 3 है। लास्ट क्लास सैटरडे को हुई थी। सैटरडे को हमने इंग्लिश का काम देखा था। आज साइंस की क्लास है, तो आज आपके सामने कुछ साइंस का लेसन 1 प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, जिसे आपको रीड करना है। ठीक है, ये है साइंस का लेसन 1। क्या नाम है इसका? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे कि जो प्लांट होता है, कोई पौधा होता है, वो किस तरह से बढ़ता है, ग्रोथ करता है, ठीक है, और उसका विकास किस तरह से होता है, कितने चरणों में होता है और कैसे कैसे होता है, सब कुछ देखेंगे इस प्लांट्स लेसन में हम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस लेसन को रीड करना है। ठीक है, जो भी वर्ड आपको समझ में ना आए उसका मीनिंग इंटरनेट से ढूंढ लेना। ठीक है, पूरा लेसन रीड करना है। जैसे पहले है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड, के एक सीड से ये कैसे बन जाता है। ठीक है, सब कुछ दिया गया है इसमें कि एक सीड जो होता है उसकी क्या क्या कवरिंग होती है, सीड कोट, सीड लीव, ठीक है, जर्मिनेशन, वो प्लांट जो सीड है वो कैसे आगे बढ़ता है, उगता है, ये देखो। ठीक है, यहाँ से एक छोटे से सीड से वो एक प्लांट कैसे बन जाता है, और डिस्पर्सल मतलब वो सीड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचता है। ठीक है, उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि एक बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँच जाता है, उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पूरा ये रीड करना है लेसन, और प्लांट्स किस किस चीज़ों से उगाए जा सकते हैं, रूट से, स्टेम से, अंडरग्राउंड स्टेम से, ठीक है, अलग अलग चीज़ों से उगाए सकते हैं। क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर, एक एग्रीकल्चर खेती में जो खेती बाड़ी की जाती है उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कितने चरण होते हैं उसमें, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, आपको ये लेसन पूरा रीड करना है। और क्या क्या पढ़ेंगे हम, प्रोटेक्टिंग द क्रॉप, फसल खेती को किस तरह बचाया जाता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पूरा लेसन ये रीड करना है, इसमें थोड़े मीनिंग दे रखे हैं, और उसके अलावा भी अगर कोई आपको समझ में ना आए तो उसका आप इंटरनेट से मीनिंग ढूंढ लेना। ठीक है, इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम अभी नहीं करेंगे, पहले लेसन आपको रीड करना है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसको समझेंगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको?